लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने दिया ज्ञापन, 1 और 2 अगस्त को लॉकडाउन स्थगित करने की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से लगाई गुहार। प्राप्त समाचार अनुसार उत्तर प्रदेश उद्योग प्रतिनिधि व्यापार मंडल ने उपजिलाधिकारी निशलोल के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन देते हुए लिखा कि कुर्बानी और रक्षाबंधन 1, 2 और 3 अगस्त को पड़ रहा है, जिसमें 1 और 2 अगस्त को शनिवार व रविवार पड़ जाने की वजह से उस दिन को लॉकडाउन है, जिससे जहां व्यापारी वर्ग प्रभावित होगा, वहीं कुर्बानी और रक्षाबंधन में लॉकडाउन होने के से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा 1 और 2 अगस्त को दोनों समुदाय के पर्वों को मद्देनजर लॉकडाउन रोक दिया जाए आदि की गुहार लगाते हुए निचलोल व्यापारियों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन एसडीएम निचलोल को दिया है। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निर्देशित पत्र माननीय उप जिलाधिकारी निचलोल को दिया गया है और निवेदन किया गया है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह पत्र भिजवा दें। 1 तारीख को बकरीद और 2 तारीख को रक्षाबंधन के देखते हुए लॉकडाउन न किया जाए व मार्केट को खोला जाए, इस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब को, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा और निवेदन किया गया है कि लॉकडाउन शनिवार और रविवार को न किया जाए। यही निवेदन के साथ एक पत्र माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भेजने के लिए आग्रह किया गया है। यही प्रदेश नेतृत्व का आह्वान था, इसी नाते यह पत्र दिया गया है। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल से बैरनाथ पासवान की रिपोर्ट।